नमस्कार दोस्तों अगर आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है या फिर आपके पास ऑलरेडी है स्कूटर्स तो आप लोगों को देखना जरूरी है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है देखिए दोस्तों मैं भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहा था लेकिन मैंने वो प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया मैंने चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बैहूर रवि आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ देखिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा देना चाहता हूं क्योंकि आप लोग अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो इस पहलू की तरफ भी सोचें। देखिए दोस्तों तमिलनाडु में इस तरह की घटना हो चुकी है और दो घटनाएं हुई है तमिलनाडु में ही क्योंकि वहां पे दोस्तों एक बच्ची और उसके पिता की जान ईवी के फायर की वजह से जा चुकी है तो इस चीज को लेकर के आप लोग बहुत ज्यादा डरिए मत बट आगे चलिए हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इस डर को हम लोग बिल्कुल खत्म कर सकते हैं खत्म यानी कि कम कर सकते हैं सबसे पहले रीजन की बात करते हैं तो वो है शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट की वजह से आग ज्यादा लगती है हीटिंग की बात करते हैं दोस्तों तो ये अपनी तरफ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है इसको एनवायरमेंट के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है तो इससे होता क्या है दोस्तों की जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है इसमें आग लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है दूसरी चीज दोस्तों की अगर आपके स्कूटर का कभी एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट होने की वजह से कभी बैटरी डैमेज हो जाती है या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाते हैं जो कि शॉर्ट सर्किट जनरेट करते हैं इन फ्यूचर या फिर आप लोगों के बैटरी के सेल से कुछ लिक्विड जो कि निकलता रहता है तो वो जब शॉर्ट सर्किट के कनेक्शन में आता है तो फिर वो आका कारण बन सकता है तीसरी चीज दोस्तों कि कंपनी के कुछ ग्लिच हो सकते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की वजह से भी जैसे कि अभी ओला का आपने देखा 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से रिवर्स में भाग रही थी तो इस तरह के जो ग्लिचेस हैं वो देखने को मिलते हैं उसी तरीके से अगर ये ग्लिचेस बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि आप एक्सलेटर तो कम ले रहे हो बट बैटरी को हीट वो ज्यादा जा रहे हैं ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच या फिर कोई भी स्पेसिफिकेशन या फिर वायरिंग की वजह से तो इस वजह से भी फायर लगते हैं बाकी सेल में और कई सारे केमिकल लोचे होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे वरना आप लोगों के लिए वीडियो बोरिंग हो जाएगी चलिए जानते हैं अब डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं कि आखिर हम लोग को सिक्योरिटी क्या रखनी चाहिए अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है चाहे आप कार ले रहे हो या फिर बाइक ले रहे हो ये सभी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों क्योंकि उसमें बैटरी इंक्लूडेड होती है देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को कभी भी ज्यादा एक्सेलरेट करके अपनी बाइक को या फिर कार को नहीं चलाना है अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ध्यान रखिएगा दूसरी चीज दोस्तों कि आप लोगों को कोई भी अननेसेसरी अदर चार्जर्स को यूज नहीं करना है इससे होता क्या है कि बैटरी प्रेशराइज होता है अगर पावरफुल कम है वो चार्जर तो भी बैटरी पे प्रेशर पड़ेगा अगर पावर ज़्यादा है तो भी बैटरी पे प्रेशर पड़ेगा ये दोनों ही रीज़न होते हैं इसलिए एग्जैक्ट चार्जर जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है उसी चार्जर को आप लोग यूज करके अपने ई को चार्ज कीजिएगा तीसरी चीज़ दोस्तों कि आप लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको शेडी एरिया में यानी कि ऊपर छाया हो उसका एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा हो उस जगह पे आप लोग उसको चार्ज करने की कोशिश कीजिए इससे उसके ऊपर अननेसेसरी हीट नहीं पड़ेगा और अगली चीज़ दोस्तों कि आप लोगों को डायरेक्ट सनलाइट में कोशिश करना चाहिए कि अपनी चलती हुई व्हीकल को पार्क ना करें जैसे कि इस समय के इन्वायरमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो

को रात में चार्ज करें और अगली चीज दोस्तों कि अगर आप लोग कहीं से भी आ रहे हैं तो कई लोगों की ये ये दिमाग में रहती है फोन को जैसे चार्ज में घुसा देते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी पार्क करने के बाद तुरंत उसको चार्जर में लगा देते हैं तो आप ऐसा करने से बचिएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हीटेड होता है और आप लोगों के जो पावर सप्लाई मिलेगी उसको जब आयरन इलेक्ट्रोड के साथ यू नो एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होंगे तो वहाँ भी वो हीट जनरेट करेंगे या फिर अगर आपने चार्ज लगाया और किसी तरह की शॉर्ट सर्किट प्रिवेंट हुई ड्यू टू हीट तो आप लोगों के ईवीज़ पे आग लगने की संभावना बढ़ सकती है तो उसको थोड़ा टेम्परेचर कूल डाउन होने दीजिए आप लोग का रूम टेम्परेचर देख सकते हैं कि अगर यानी कि आप लोग कुछ देर तक अपने व्हीकल को 15 मिनट 20 मिनट या फिर आधा घंटा जब तक वो पूरी तरीके से अपने रूम टेम्परेचर पे वापस नहीं है तब तक आप लोग उसको चार्ज में लगाने से बचिए और अगली चीज दोस्तों कि आप लोग कोई भी ऐसी गर्म चीज या फिर कोई भी हॉट सोर्स है आसपास आप लोगों के तो वहां पर अपने व्हीकल्स को चार्ज करने से बचिए और नेक्स्ट चीज की अगर आप लोग कोई भी कार खरीदे या फिर बाइक खरीदे तो ध्यान रखिए कि उसकी सेल क्वालिटी कैसी है सेल क्वालिटी को आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं पढ़ सकते हैं कि उसमें किस तरह के कि सेल को यूज किया जा सकता है वो, वो कितने टेम्परेचर तक सेफ है तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी है और आप आपको अपना एनवाइट भी देखना है कि अगर वो उस टेम्परेचर तक वो जाता है तो क्या हमारी सेफ्टी वहां तक रहेगी तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो काफी छोटी छोटी चीजें हैं बट आप लोगों के ईवीज के हेल्थ पे काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे और लॉन्ग लास्टिंग भी होंगी और आखिरी चीज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि आप लोग समय समय पर अपने ईवीज को ऑथोराइज सर्विस